नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश सिंह मैकेनिक। आज आपको हम बताएंगे कि बाइक का जो पीछे वाला ब्रेक होता है उसको कितना टाइट करना चाहिए, कैसे टाइट करना चाहिए, पता कैसे लगाएं कि कितना हमारा बाइक ब्रेक टाइट है, अगर ज़्यादा ब्रेक टाइट हो जाता है तो क्या होता है, इस सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम सीधा आपको ब्रेक के पास लेकर आते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना ब्रेक टाइट करना चाहिए ताकि बाइक का जो एवरेज है वो सही दे। तो आइए हम ब्रेक के पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ब्रेक रॉड है और ये यहाँ ये टाइट करने वाला होल्डर है। अगर आप जानते ही हैं कि अगर ब्रेक ज़्यादा टाइट हो जाए तो बाइक का जो एवरेज है वो बहुत ही कम देने लगता है। जब ब्रेक ज़्यादा टाइट हो जाता है तो ये ब्रेक सोल अंदर लगा होता है, इसके ऊपर ये ब्रेक ड्रम में ये चिपकने लगता है, जिसके वजह से पहिया जाम चलता है और इंजन पर ज़्यादा लोड पड़ता है, जिसके कारण से एवरेज में कमी हो जाती है। तो इसके लिए हमें ब्रेक सही से मिलाकर टाइट करना होता है ताकि हमारा बाइक का जो एवरेज है वो भी सही हो और साथ में ब्रेक भी सही लगे। तो यहाँ पे हम आपको एक टिप्स बताने वाला हूँ जो आप देखकर आसानी से ब्रेक टाइट कर सकते हैं, या आगे का कर ले या पीछे का कर ले, कहीं कभी आप ब्रेक टाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं पहिया को घुमा रहा हूँ। अभी देखिए कितना स्लो धीरे धीरे रुक रहा है, देखिए बिल्कुल धीरे धीरे रुकिया ना। अब अगर हम ज़्यादा टाइट करते हैं तो अचानक ये पहिया रुक जाएगा, तो इसका मतलब होता है कि ब्रेक ज़्यादा टाइट है। तो देखिए हमारा ब्रेक लूज है, इसको हम थोड़ा टाइट करते हैं, एक राउंड या दो राउंड। अब चला कर देखते हैं, ये देखिए टाइट हो गया, ये ब्रेक टाइट हो गया ज़्यादा। अगर इतना हम ब्रेक अगर टाइट करके रखते हैं तो ये समझ लीजिए ब्रेक तो लगेगा ही लगेगा, जहाँ आप ब्रेक मारेंगे वहाँ पे रुक जाएगा बाइक, लेकिन आपके बाइक का एवरेज नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको ब्रेक सही से लगाना चाहिए, सही से सेट करना चाहिए। यहाँ पे हम एक राउंड इसको लूज करते हैं, ये देखिए एक राउंड हमने लूज कर दिया। आप चला कर देखते हैं, अभी भी ब्रेक टाइट है, तो इसको एक राउंड और हम लूज करेंगे। ये एक राउंड और लूज हो गया, अब चला कर देखते हैं, देखिए अब सही हो गया। कितना धीरे धीरे जाकर रुक रहा है, अचानक नहीं रुक रहा है। तो इस तरफ ब्रेक टाइट होता है, आप कहीं भी अपने घर पे भी आसानी से ब्रेक टाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।